लवलीज़, वेलकम और वेलकम बैक टू माई चैनल विद अनदर रिव्यू वीडियो। सो आज मैं रिव्यू करने वाली हूँ आपके साथ एक सनस्क्रीन जो कि बहुत ही डिमांड में रहती है। सो सनस्क्रीन में मोस्ट इंपॉर्टेंट है UVA और UVB रेस से जो प्रोटेक्ट करे, प्रोटेक्टम के साथ हो, एटलीस्ट SPF 50 हो जो आपको सन डैमेज से प्रोटेक्ट करे। सो जो सनस्क्रीन में सबसे ज़्यादा हाइप में रहती हैं वो है मिनिमलिस्ट की SPF 50 सनस्क्रीन के। फिलहाल तो मिनिमलिस्ट के सभी प्रोडक्ट बहुत हाइप में रहते हैं, लेकिन जो है मोस्ट डिमांडिंग सनस्क्रीन वो है SPF 50। तो आज हम बात करेंगे SPF 50 सनस्क्रीन के बारे में। तो क्या ये सनस्क्रीन सच में इफ़ेक्टिव है या वर्थ इट है? सो मैं इस सनस्क्रीन को 1.5 से 2 मंथ से यूज़ कर रही हूँ। अगर आप सनस्क्रीन को सही वे में यूज़ कर लाते हो तो आपको इन फ्यूचर में होने वाली प्री मैच्योर एंटी एजिंग, टैनिंग, रेडनेस, पिगमेंटेशन जैसी प्रॉब्लम से दूरी बनी रहेगी। तो मैं आपको हर बार यही बोलती हूँ कि सनस्क्रीन जितनी घर से बाहर जाते वक्त अप्लाई करनी ज़रूरी है, उतनी ही घर के अंदर भी आपको सनस्क्रीन लगानी चाहिए, क्योंकि घर में लगी हुई लाइट्स आपको, आपके फ़ोन की स्क्रीन और जो आप किचन में काम करते वक्त जो गैस की हीट होती है ना, वो भी आपको डैमेज करती है। तो स्किन को प्रोटेक्शन की नीड होती है एंड सनस्क्रीन आपको पोल्यूशन से होने वाली एक्ने और स्किन डैमेज से प्रोटेक्ट करती है। सनस्क्रीन आपको घर से बाहर जाने से 15 से 20 मिनट पहले और 2 घंटे में रीअप्लाई करनी चाहिए। मैं ऑलवेज आपको बताती हूँ कि हर 2 घंटे में अप्लाई करने का मतलब ये नहीं है कि हर 2 घंटे में आपको दोबारा से फेस वॉश करना है, दोबारा से CTM मतलब क्लिंजिंग टोनर मॉइस्चराइज़र, नहीं, इतनी नीड नहीं रहती है। तो आपको क्या करना है, सिंपली अगर आप घर से बाहर हो तो ये वैसे भी पॉसिबल नहीं होता है, तो आप क्या कर सकते हो कि हर 2 घंटे बाद सनस्क्रीन को रिटच कर सकते हो, टचअप ले सकते हो सनस्क्रीन का। चाहे तो अगर आपके पास कोई वाइप्स हैं या फिर अगर आप अपने फेस पर वाटर स्प्लैश कर सकते हैं तो आप वो करके या स्किन पे अच्छे से थोड़ा सा डैबिंग मोशन में उसको स्किन को अपनी टिश्यू से या वाइप से क्लीन करके डैबिंग मोशन में अच्छे से, उसको नहीं निकालना है फेस पे से, डैबिंग मोशन से इस तरह से आपको करके उसके बाद आप सनस्क्रीन को हर 2 घंटे में रीअप्लाई कर सकते हो। सो बात करते हैं मिनिमलिस्ट की SPF 50 विद नायासिनामाइड एंड विटामिन B5 एंड विटामिन F ब्रॉड स्पेक्ट्रम के साथ एंड आती है PA++++ फॉर ऑल स्किन टाइप्स। हमेशा आपको चेक करना है कि आपकी सनस्क्रीन जो है वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम हो, UVA UVB's रेस से आपको प्रोटेक्ट करे। अगर आप UVA UVB सन प्रोटेक्शन नहीं लेते हो तो आपको स्किन में एजिंग इफेक्ट बहुत जल्दी नज़र आएंगे, डिसकलरेशन, डार्क स्पॉट्स, अनइवन स्किन टोन जैसी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी। तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि UVA UVB और ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन ही हो। तो बात करते हैं इसकी कंसिस्टेंसी की। ये आपको इस तरह की इनर पैकेजिंग मिलेगा, इसकी आउटर जो कार्डबोर्ड पैकेजिंग के साथ आती है, जो कि मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं है, मैंने उसको थ्रो कर दिया था, ठीक है। तो इसकी कंसिस्टेंसी की बात करते हैं, तो मैं इसको काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ, जैसे कि आपको बताया मैंने 1.5-2 महीने से मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। सो मैंने सोचा इसका रिव्यू आप लोगों के साथ ज़रूर से शेयर किया जाए ताकि आप अपनी स्किन के अकॉर्डिंग सनस्क्रीन जो है ले पाएँ। सो बात करते हैं इसकी कंसिस्टेंसी की, जो कि थोड़ी रनी कंसिस्टेंसी है, एज़ यू कैन सी थोड़ी सी रनी कंसिस्टेंसी में आती है। इसमें हल्की सी कास्ट नज़र आएगी इस तरह से, आपको मैंने बहुत थोड़ी सी ली है आपको दिखाने के लिए, ठीक है। हल्की सी इसमें कास्ट है जो कि आप उसको थोड़ा सा मसाज दोगे तो आपके स्किन पे अच्छे से सेट हो जाएगी, लेकिन ये बहुत नॉर्मल ही है। इससे आपको स्किन हाइड्रेशन मिलेगी, फ्रेग्रेंस फ्री प्रोडक्ट है, पैराबेन सिलिकॉन एसेंशियल ऑयल सल्फेट फ्री, डर्माटोलॉजिकली टेस्टेड है। इससे आपको कोई इरिटेशन नहीं होगी और इसमें PA 6.0 और 2 PA 7.0 देती है।
ये आपको सन डैमेज हुई स्किन को रिपेयर करने में हेल्प करेगी, नरिश करेगी, टैनिंग से प्रोटेक्ट करेगी। और सो बात करें इसके रिजल्ट की, मैक्सिमम प्रोटेक्शन मिलती है आपको इस सनस्क्रीन से। इसको अप्लाई करने के बाद ऐसा लगता है कि फेस पर एक कोटिंग है जो हमें प्रोटेक्ट करेगी पोल्यूशन और सनबर्न से। ये बहुत अच्छे से स्किन पर सेट हो जाती है, और जब आप फेस वॉश करोगे तो ये वापस से आपको अपनी फ्रेश स्किन ही मिलेगी। सो ये ड्राई एंड कॉम्बिनेशन स्किन के लिए बेस्ट रहेगी, और ऑयली स्किन वालों के लिए मे भी थोड़ी सी स्टिकी फील हो सकता है। बात करें इसकी प्राइस की, तो 50 ग्राम की क्वांटिटी 399 की है, रुपीस की है, लेकिन ये आपको पर्पल अमेजोन नाइका वगैरह पे अच्छे खासे डिस्काउंट भी मिल जाएगी। और 18 मंथ तक आप इसको यूज़ कर सकते हो, जो कि बहुत ज़्यादा शेल्फ लाइफ इसकी नहीं है, जिससे कि हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसमें कोई हार्श और स्ट्रॉन्ग केमिकल्स जो हैं यूज़ नहीं किए गए हैं। बहुत ही लाइट वेटेड और बहुत ही अच्छी सनस्क्रीन है मेरे अकॉर्डिंग। तो ये मैंने अपना ऑनेस्ट रिव्यू आपके साथ शेयर किया है इस सनस्क्रीन को लेके। सो जैसे कि मैंने आप सबको बोला था कि मैं सनस्क्रीन की वीडियोस जो है जितना मुझसे हो सकेगा मैं ऑनेस्ट और डिटेल्ड रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, लेकिन फिर भी अगर आप लोगों को कोई क्वेरी है, कुछ आप पूछना चाहते हैं, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगी। सो आई होप दिस वीडियो इज़ यूज़फुल फॉर यू ऑल, और अगर ज़रा सी भी ये वीडियो आपको हेल्पफुल लग रही है तो प्लीज़ इट्स अ रिक्वेस्ट कि मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब किए बिना प्लीज़ मत जाना। अगर आप लोगों का प्यार नहीं मिलता है तो हमें बहुत बुरा फील होता है कि शायद हम अपना काम ठीक से नहीं कर पा रहे हैं, हम मोटिवेट नहीं हो पाते हैं। सो अगर आप मेरी नहीं किसी की भी वीडियो आपको हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ उसको लाइक और सब्सक्राइब एक ज़रूर किया कीजिए। सो मिलती हूँ अपनी इसी तरह की और रिव्यूज़ सनस्क्रीन के साथ और अच्छी वीडियोज़ के साथ, और मेरे चैनल पर बहुत सी ऑफर्स वाली जो वीडियो हैं आती रहती हैं, बहुत से रिव्यूज़ मैं देती रहती हूँ, डिफरेंट ऐप्स के बारे में आपको नॉलेज देती हूँ। सो अगर आपको मेरा चैनल, मेरा रिव्यू अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय।